नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजीपुर में पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय हीरोइन तस्करों से 1 किलो 50 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसके अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। इनके पास से पुलिस ने 2,07,000 रुपए नकदी भी बरामद किया है। सीओ सिटी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से गिरफ्तारी की गई है, जिसके अभियुक्त प्रमोद कुमार दांगी झारखंड का रहने वाला है, जबकि मंटू चौहान और हरिशंकर मिश्र बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। एसपी रोहन पिवोत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीनों अंतर्राज्यीय तस्कर हैं और झारखंड से हीरोइन लेकर यहां बेचते हैं। इनके तार छत्तीसगढ़ के छतरा जिले से जुड़े हैं, जहां से ये हीरोइन लाते हैं। इनके ऊपर से लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इनको गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की है। देखिए, गाजीपुर पुलिस द्वारा विगत कुछ महीनों से लगातार NDPS के सब्सटेंसेज, हेरोइन, गांजा और अन्य शराब के सब्सटेंसेज पे काम किया जा रहा है। कल इसी तरीके का एक अंतर्राज्य गिरोह 1 किलो और 50 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। रहने वाले इसमें से जो मेन सप्लायर है वो झारखंड का है, दो अन्य लोग जो खरीद फरोख्त में शामिल थे वो बिहार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके जो अमाउंट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा 2,07,000 रुपए का नकदी कैश जो है वो भी बरामद हुआ है। इसमें से चौथी बरामदी है सर, जिले में बहुत बड़ी बरामदी हो रही लगातार 3 महीने। देखिए, विगत 3-4 महीने से काफ़ी करोड़ों रुपए का जो है हेरोइन और गांजा जो है वो पकड़ा गया है। अगर हम लोग पिछले 10 महीने की बात करें तो लगभग 9 करोड़ से प्लस का अमाउंट का हेरोइन और गांजा अवैध पकड़ा गया है। इस पूरे प्रकरण में इनका जो रिलेशन है वो छत्तीसगढ़ के छतरा जिले से बिलोंग करता है, और उसमें जो जो व्यक्ति इस पूरे गिरोह में शामिल हैं उनके नाम इंट्रोगेशन में हम लोगों ने नोट किया है, उनके ऊपर भी जो है वो सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। पिछली बार कुछ असम और बिहार के लोगों की बात आई थी, इस बार झारखंड। देखिए, इंट्रोगेशन में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो सप्लाई होता है झारखंड में वो भी आसाम और अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहाँ से ज़्यादातर होता है। उसको बाद में ये लोग और रिफाइन और डेवलप उस माल को जो है वो करते हैं, और इसीलिए उसकी वैल्यू जो है जब वो मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसका काम करने वाले जो इसमें शामिल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सभी लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का अपराध जो है वो पंजीकृत करके इनके ऊपर जो भी है 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत इनका प्रॉपर्टी का जब्तीकरण कराया जाएगा। कुछ पुरस्कार? देखिए, 20,000 रुपये का पुरस्कार SOG टीम और सिटी पुलिस को मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर अगना भी इसमें गिरफ्तार है? सरगना जो मेन सप्लायर है वो अभी छत्तीसगढ़ में है, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी उसका ट्रैकिंग जो है वो हो जाएगा। कितने की गिरफ्तारी आज की है? 3 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।